हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डियर स्टूडेंट, आज की क्लास है एनसीईआरटी कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 1.3। आज पूरे प्रश्नावली 1.3 को पूरा आपको यहां सॉल्व करा देंगे डियर स्टूडेंट। और जितने भी प्रश्नावली 1.3 के सवाल हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल बता के रखा है, उसी पैटर्न पे सवाल चलने वाले हैं। और इसके जितने सवाल हैं, हर एक सवाल बोर्ड पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी सवाल को आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उम्मीद करते होंगे कि जितने बच्चे होंगे या जितने बच्चे क्लास से जुड़ चुके होंगे, वो क्लास आज की चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको प्रूव करना है, इसका उल्टा मानिएगा। इसके लगाने के तरीके होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको याद करना पड़ेगा कि लगाया कैसे जाता है। तो चलिए, जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे आप समझते चलिएगा। सबसे पहला काम क्या है, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट कि जो परिमेय संख्या होता है उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू, यानी पी बराबर क्यू। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पी का गुणा 1 से कर देंगे तो पी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5 क्यू। इतनी बातें समझ में आई। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग किए तो दोनों तरफ वर्ग किए तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट 5 हट जाएगा, अंडर रूट 5 हट जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो इधर वर्ग किए तो कर्णी हट गया और ये क्यू स्क्वायर हो गया। आप यहां देख पा रहे होंगे कि देख पा रहे हैं कि जो ये पी स्क्वायर है वो 5 को विभाजित कर रहा है। किससे, किससे, प्रमेय 1.3 से। प्रमेय 1.3 से देख रहे हैं कि ये पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है। जब पी स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा तो पी भी 5 को विभाजित करेगा। तो ये चीज लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, अतः ये पी जो है 5 को भी विभाजित करेगा। पी 5 को विभाजित करेगा, पी 5 को विभाजित करेगा, पी 5 को विभाजित करेगा। अब आइएगा, जरा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये पी 5 को विभाजित करेगा तो माना पी बराबर 5 आर रख लेते हैं। माना पी बराबर क्या, 5 आर, जहां आर क्या है, पूर्णांक है। जहां R क्या है, कोई पूर्णांक है। जहां R क्या है, कोई पूर्णांक है। ये बातें ध्यान से समझिएगा। P बराबर क्या मान लिए, 5 R मान लिए। ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1। तो P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। P बराबर 5 R समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5 क्यू स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि इसी पी के स्थान पे क्या रखना है, 5 आर रखना है। तो 5 आर का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। 5 आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 आर स्क्वायर आएगा, इधर 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 इक्के 5, 5 पच्चे 25,
यानी यहां 5R² बराबर कितना हो गया 3R² आगे लिखते हैं हम लोग। आगे क्या है 5R² बराबर कितना है 5R² बराबर कितना है 3R² तो आप देख रहे हैं, देखिए कि यहां 3R² 5 को विभाजित कर रहा है, 3R² 5 को विभाजित कर रहा है तो ये Q भी 5 को विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से। तो क्या लिखेंगे प्रमेय 1.3 से, क्या लिखेंगे प्रमेय 1.3 से कि Q² 5 को विभाजित कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है अतः Q² 5 को भी विभाजित करेगा, Q 5 को विभाजित करेगा। ठीक Q जो है 5 को विभाजित करेगा। तो आप ध्यान से समझिए, अब यहां बातें जरा सा आप समझिए, आप क्या मान के चले थे कि जो ये अंडर रूट 5 है वो क्या है परिमेय संख्या है, यानी आप यहां समझिए ये जो P और Q है, जो P और Q मानी है, ये P और Q, ये जो P और Q है ये सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है। इस बात को समझिएगा जरा सा, सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि P स्वयं से कटने वाला है, Q भी स्वयं से कटने वाला है, यानी P जो है 1 से कटेगा और Q भी 1 से कटेगा, यानी इसके अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं है। पर आप देखिए एक तथ्य, ये देखिए ये वाला तथ्य पकड़िए, ये बात है जरा सा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, यहां आप क्या देख रहे हैं इन दोनों तथ्यों से आप देख रहे हैं कि P तो 5 को भी काट रहा है, यानी P 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है। देखिए यहां P 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, यानी हम कह सकते हैं कि P और Q का जो गुणनखंड है वो 1 से अतिरिक्त है, 1 से अतिरिक्त कौन है 5 है। लिखेंगे अतः P और Q क्या है सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है अर्थात आपने जो माना है वो आप गलत मान के चले हैं, तो जो गलत माने हैं जब वो आपने सिद्ध कर लिया तो अर्थात ये परिमेय नहीं है, जब तो परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय है, अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बातें क्लियर हो गई आपकी, चलिए आप ये नोट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस पहले सवाल को लगाएंगे, हर एक सवाल चाहे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट 2 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 7 हो, हर एक इस प्रकार की सवाले आपको लगाने की यही तरीके हैं, इससे कोई छोटा नहीं, इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी कोई भी लाइन पर, अगर कोई भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार का डाउट बनता है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जैसा कि दूसरा सवाल आप लोग देख रहे हैं उस सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो डियर स्टूडेंट, लगाते लगाते आप लोगों की आदत ये जरूर पड़ गई होगी कि सबसे पहला काम है मानेंगे यह एक परिमेय संख्या। माना 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? एक परिमेय संख्या। तो डियर स्टूडेंट, जो परिमेय संख्या होगा उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो 3 + 2 = 5 बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू। अब क्या करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा जरा सा, इस 3 का पक्षांतर उधर करते हैं। तो 3 का पक्षांतर उधर करेंगे क्या आ जाएगा? 2 = 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3 हो गया, क्योंकि जो प्लस था उधर चलेगा, क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इस 2 का पक्षांतर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 2 का पक्षांतर कर देते हैं। तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर अंडर रूट 5 आ गया, इधर पी बटे क्यू माइनस 3 और पूरे के बटे क्या आ गए? 2। पूरे के बटे क्या आ गए? 2। ये बातें आप समझिएगा जरा सा, पूरे के बटे क्या आ गए? 2 आ गए। इस 2 का पक्षांतर किए तो ये पूरे के बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। अब यहाँ गौर से समझिए कि पी बटे क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। पी बटे क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगी। 5 परिमेय संख्या है, 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 भी तो परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे चूंकि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, अतः p बटे क्यू माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। आगे ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह सर्वमान्य है, या लिख सकते हैं, अतः एक लाइन और लिखते हैं, अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास प्रमेय से, परंतु इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे विरोधाभास प्रमेय से, क्या लिखेंगे अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या भी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आपका जब ऐसा कोई सवाल दिया हो तो उसको हम लोग इस प्रकार हल करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ये तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए
कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है अपरिमेय है। तो पहला सवाल है एक बटे कर्णी में दो, तीसरे का पहला नंबर है कि एक बटे कर्णी में दो प्रूफ करना है अपरिमेय। इसका दूसरा सवाल है सात कर्णी में पांच, ये आपको प्रूफ करना है। तीसरा सवाल है छह प्लस कर्णी में दो, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल हम लोग हल करेंगे, तीसरे का पहला नंबर। माना एक बटे कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो इसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे, तो बराबर पी बटे क्या हो गया क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर आ गया अंडर रूट दो पी, इसका गुणा इससे कर दिए, दोनों पक्षों का या दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान से समझिएगा। अब जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये दो का वर्ग करोगे तो अंडर रूट दो का वर्ग करोगे दो आ जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये क्यू स्क्वायर दो को विभाजित कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर दो को विभाजित कर रहा है तो क्यू दो को भी विभाजित करेगा, तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या क्यू स्क्वायर दो को विभाजित कर रहा है, दो को विभाजित कर रहा है, अतः क्यू जो है दो को विभाजित करेगा, क्यू दो को विभाजित करेगा। फिर से अब आपको याद होगा इससे पहले वाले सवाल में माना क्या मान लेते हैं, माना जो ये क्यू है वो दो आर के बराबर है, जहां आर क्या है पूर्णांक है, आर क्या है भैया पूर्णांक है। चलिए अब क्यू का मान समीकरण किस में रख देंगे, एक में, Q बराबर 2R समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से समझिएगा, एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, क्या है Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। अब Q, Q का मान कितना है 2R है, यहां 2R का स्क्वायर रखते हैं बराबर 2p स्क्वायर, दो का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, r का वर्ग करेंगे r स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2p स्क्वायर, 2 एक के 2 2 दूनी 4, तो यहां आया 2r स्क्वायर बराबर कितना आ गया p स्क्वायर। तो आप देखिए ये p स्क्वायर 2 को काट रहा है तो p भी 2 को काटेगा, तो प्रमेय 1.3 से क्या कि p स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, दो को विभाजित कर रहा है, कर रहा है, अतः पी भी दो को क्या करेगा विभाजित करेगा, पी भी अतः पी दो को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक। अतः अब यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पी और क्यू है स अभाज्य गुणनखंड है, यहां लिख दे दीजिएगा, भूल जाते हैं हम लोग, पी और क्यू क्या है सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है। तो जब ये सह अभाज्य गुणनखंड है तो इसका एक के अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये एक के सिवा और किसी से नहीं कटेगा। पर आप क्या देख रहे हैं, आप यहां देख रहे हैं ये वाले तथ्य पे ध्यान दीजिएगा और इस तथ्य पे ध्यान दीजिए कि यहाँ क्यू को दो भी काट रहा है और पी को भी दो काट रहा है, तो यहां लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं चूंकि P और Q, Q का एक के अतिरिक्त सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अतः
अतः एक बटे अंडर रूट दो, एक बटे अंडर रूट दो अपरिमेय, सॉरी एक बटे अंडर रूट दो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, किससे परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, तब अतः तब क्या हो जाएगा, एक बटे अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये सवाल आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करिएगा, इसे ये बोर्ड के पेपर में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप इसमें 90-90 मार्क दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए, पूछा भी जा सकता है आने वाले पेपरों में, आइएगा। अब हम लोग इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर आगे दूसरे सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, सात कड़ी में पांच, तो माना सात अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या है, एक परिमेय संख्या, ध्यान से समझिएगा। अब जब ये परिमेय संख्या इसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो सात अंडर रूट पांच बराबर क्या आ जाएगा, p बटे q क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां नहीं करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अगर सात को उधर की तरफ भेज दे तो ये सात बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पांच बराबर पी बटे क्या हो जाएगा, सात क्यू, पी बटे सात क्यू, ध्यान से समझिएगा, ये सात इधर आ गए बटे में हो गए, तो यहां लिख सकते हैं कि चूंकि पी बटे सात क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगी, अंडर रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगी, ध्यान समझिएगा, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, अब ध्यान दीजिएगा, विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात जो आपने माना है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, और जब ये परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि सात अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है अतः सात कड़ी में पांच एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये आपका सवाल ये भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसी प्रकार आप लगाओगे डियर स्टूडेंट तो जरूर है ये आपको सवाल आएंगे, ऐसे नहीं है कि ये सवाल आप लोगों के लिए नहीं बनाया, प्यारे बच्चों ये सवाल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है और आप ही लोग इसको लगा के आओगे और आप ही लोग इसको एग्जाम में जब बैठोगे तो 95% स्कोर करके आओगे ऐसे सवालों को लगा के। केवल आप अपने हौसले को बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए कि ये सवाल आप लोगों के लिए कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक, सवाल देख के डरिए मत, लगाना स्टार्ट कीजिए। तो सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए कड़े मुंह से चलिए तीसरा सवाल क्या है, छह प्लस कड़ी में दो, यही है। तो इसे सबसे पहले क्या मानेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है, अब साथ साथ में आप लोग भी लगाओगे डियर स्टूडेंट, क्या मानेंगे, माना छह प्लस कड़ी में दो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है,
अब परिमेय संख्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बराबर क्या आ गया p बटे क्यू। अब क्या करेंगे, छह का पक्षांतर कर देंगे, तो छह का पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाएगा तो माइनस छह हो जाएगा, तो p बटे क्यू माइनस क्या आ गया छह। तो हम लिख सकते हैं कि p बटे क्यू, चूंकि p बटे क्यू एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः p बटे क्यू माइनस छह भी एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा, छह भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी ये इसके बराबर है तो अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या होगी, तब अंडर रूट दो भी एक क्या होगा, अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप देखिए, परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इनके कहने का मतलब है कि जो आपने माना है वो नहीं है, यानी यह परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना असत्य है, अतः छह प्लस कर्णी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप ये नोट कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली 1.3 है वो क्या हो जाता है, प्रश्नावली 1.3 जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमने आपसे कहा था कि प्रश्नावली 1.3 को आपको पूरे एक ही वीडियो में हम उपलब्ध करा देंगे डियर स्टूडेंट। तो आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।